हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। हेल्थ, मेडिसिन और फूड के ऊपर बेस्ड इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर पापिया बिगोनिया। आज मैं एक ऐसे फूड के बारे में बात करूंगी जो घर घर में खाया जाता है, नाश्ते के आइटम में, स्नैक्स के आइटम में, व्रत के दिनों में, रोड साइड रेस्टोरेंट्स में उसके बहुत सारे प्रिपरेशन मिल जाता है। ये एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है। इसको आप सब पहचान गए होंगे। ये है साबूदाना, कॉमनली कॉल्ड सागू, जिसको कॉमनली सागू भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेपियोका पर्ल और टेपियोका बीट। इंडिया में हर एक घर में व्रत के टाइम साबूदाना खाया जाता है। देखने में व्हाइट, चमकीले, बहुत छोटे छोटे सुंदर बीट्स होते हैं, तो साबूदाने को सब बहुत प्योर, अच्छा, ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फूड मानते हैं। घर घर में खाया जाता है। साबूदाना एक्चुअली क्या है? क्या ये सफेद सफेद छोटे छोटे दाने पेड़ में उगते हैं, या किसी वेजिटेबल के अंदर या फ्रूट्स के अंदर से सीड जैसा निकाला जाता है? क्या चीज है ये? साबूदाना इनमें से कुछ भी नहीं है। साबूदाना पूरी तरीके से फैक्ट्री में बनाया हुआ प्रोसेस्ड फूड है, और इसमें होता है सिर्फ और सिर्फ स्टार्च। और इंटरनेट में आप साबूदाना सर्च करेंगे, हजारों रेसिपीज मिल जाएगी। उसमें बहुत सारी रेसिपीज ऐसी है जो इंस्टेंट साबूदाने से बनाए जाने वाली रेसिपीज है, जल्दी जल्दी बन जाता है, जिसमें आप साबूदाने को रात भर गलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसको तुरंत ही यूज कर सकते हैं। इन रेसिपीज को देख के मेरे मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया, क्या साबूदाने से बनाया हुआ इंस्टेंट रेसिपीज सेफ है? साबूदाने को रात भर गलाना इतना जरूरी क्यों है? क्या साबूदाने को इमरजेंसी में गर्म पानी में गला के आधे घंटे के अंदर इस्तेमाल करने से कोई परेशानी है? इस सवाल का जवाब वीडियो के अंत तक आप सबको मिल जाएगा। क्या हमारे हेल्थ के लिए साबूदाना डेंजरस है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब। कंटेंट यूजफुल हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। हेल्थ से रिलेटेड इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबके लिए बहुत काम का होता है। तो सबसे पहले जानते हैं, अगर ये साबूदाना पेड़ में नहीं उगता है, किसी पेड़ का बीज नहीं है, तो इसको बनाया कैसे जाता है, फैक्ट्री में साबूदाना प्रोसेस कैसे होता है? साबूदाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है मीठे आलू के जैसा दिखने वाला एक रूट वेजिटेबल, इसका नाम है कसावा। कसावा रूट जमीन के अंदर बल्ब जैसा ग्रो करता है, काफी मोटा और बड़ा होता है। कसावा रूट को जमीन के अंदर से निकालने के बाद धो के उनके बाहर की मिट्टी गंदगी को पूरी तरह से साफ किया जाता है। उसके बाद होता है पीलिंग, छिलके को बहुत अच्छे से पूरी तरह से रिमूव किया जाता है। उसके बाद उसकी स्मॉल स्मॉल पीस में कटिंग होती है, देन ग्राइंडिंग मशीन में पानी के साथ उसको बारीक पीसा जाता है। उसके बाद एक व्हाइट कलर का मिल्की लिक्विड जैसा बन जाता है। इस लिक्विड को 3-4 स्टेप में बार बार फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करके उसका फाइबर कंटेनिंग मटेरियल को हटा दिया जाता है। पानी में बचता है घुला हुआ स्टार्च। सॉल्यूशन को काफी देर के लिए सेटल करके रखा जाता है, देन स्टार्च धीरे धीरे नीचे सेडिमेंट हो जाता है। स्टार्च को सेपरेट किया जाता है, देन लिक्विड स्टार्च मटेरियल को फैला के अच्छे तरीके से सुखाया जाता है कि उसका पानी का कंटेंट करीब करीब 90% खत्म ना हो जाए। जब ये हल्का गीला रहता है, अगेन ग्राइंड किया जाता है। अब उसको सीप के ऊपर गाइप किया जाता है, छलनी के ऊपर से ग्राइंड किया जाता है। तो छलनी के ऊपर से दबा के ग्राइंड करते हैं, तो छलनी के छेद में से छोटे छोटे पर्ल के शेप में, दाने के शेप में ये नीचे गिरता है। दानों को धूप में या ओवन में पूरी तरह से सुखाया जाता है। फाइनल प्रोसेसिंग में उसको बहुत देर तक स्लो हीट में कुक किया जाता है, देन उसकी पैकेजिंग होती है। सो यहाँ पे दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसको बार बार फिल्टर करके उसकी इम्प्यूरिटी को निकाल देना, देन आफ्टर प्रोसेसिंग जब साबूदाना बन गया है, प्रोसेस हो गया, सूख गया है, उसके बाद भी उसको स्लो हीट में कुक किया जाता है। ये दोनों स्टेप क्यों जरूरी है ये मैं आगे बताऊंगी। क्योंकि साबूदाना टेपियोका प्लांट से बनाया जाता है, कसावा का दूसरा नाम है टेपियोका। वेस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया में ये प्लांट बहुत आयत में उगता है, इसी की वजह से साबूदाने का नाम है टेपियोका। जबकि पुराने समय में उसको सागू बुलाया जाता है, तो सागू ही साबूदाना है। स्टिल दो इनमें डिफरेंस है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से पहले साबूदाने को कसाबा प्लांट से नहीं बनाया जाता था, तब साबूदाना बनता था सागू पाम ट्री से, वैसे उसका नाम पड़ा सागू। सागू पाम भी साउथ अमेरिकन रीजन में बहुत आयत में पाया जाता है। सागू पाम का साइंटिफिक नेम है मेट्रोक्सिलॉन सागू। ये पाम कैटेगरी का प्लांट होता है, के रूट से सागू नहीं बनाया जाता। स्टेम के अंदर जो स्पंजी सॉफ्ट गुदा होता है उसको प्रोसेस करके सागू पुराने समय में बनाया जाता था। साउथ अमेरिकन रीजन से सागू का ये ट्रेडिशन इंडिया तक कैसे पहुंचा? कहा जाता है कि पुराने समय में 17th सेंचुरी में पुर्तगीज ट्रेडर्स साबूदाना बनाने की टेक्नोलॉजी को साउथ अमेरिका से, ब्राजील से इंडिया में लेकर आए थे। साबूदाने को सबसे पहली बार साउथ के एक किंग ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, 1860s में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, द रीजन ऑफ केरला एंड तमिलनाडु में बहुत भयंकर अकाल फैला हुआ था, खेतीबाड़ी नष्ट हो गई थी, खाने के लिए अनाज नहीं था। तब राजा ने साबूदाने को एज ए ऑल्टरनेटिव फूड प्रेजेंट किया था। राजा ने इस फॉरेन प्लांट को ब्राजील से लाके इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था।
इंडिया में साबुदाना बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हुआ, घर घर खाया जाने लगा इन 1930s एंड 40s, जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर टू। बट वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे साउथ अमेरिका से सागु प्लांट के आयात बहुत मुश्किल हो गया। इस कमी को देखते हुए केरला में कुछ किसानों ने कसावा प्लांट को यूज करके साबुदाना बनाना स्टार्ट किया। कसावा प्लांट का साइंटिफिक नेम है मैनी हॉट एस्क्यूलेंटा। ये प्लांट केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में बहुत आयत में पाया जाता है। इस प्लांट को उगाने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है और ये ड्राउट रेजिस्टेंट है, तो पानी की कमी की वजह से इसकी खेती खराब नहीं होती। साउदर्न स्टेट में कसावा प्लांट को बड़े पैमाने पे उगाया जाने लगा। नाउ डेज साबुदाना कसावा या टेपियोका प्लांट से बनाया जाता है, ना ही सागु पाम से। व्हाट आर द न्यूट्रिशनल फैक्ट ऑफ साबुदाना, साबुदाने में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और उसके क्या क्या बेनिफिट है। एक कप साबुदाने में नियरली 554 कैलोरीज होता है, 135 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। सो दिस इज ए वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड। अल्ट्रा प्रोसेस सिंपल स्टार्च, 135 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन वन कप ऑफ साबुदाना विथ 554 कैलोरीज। सो दिस इज ए वेरी हाई कैलोरी हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड। इसके साथ साथ बहुत ही कम फाइबर, 1.5 ग्राम ऑफ फाइबर, लेस देन 0.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन करीब करीब ना के बराबर होता है, लेस देन 0.5 ग्राम ऑफ फैट, फैट भी उसपे ना के बराबर होता है। साबुदाना इज वेरी हाई इन कैल्शियम, साबुदाना इज ऑल्सो रिच इन जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। इसके साथ साथ इसमें पाया जाता है विटामिन के, विटामिन B6, फॉलिक एसिड एंड ऑल्सो सम सॉल्युबल फाइबर। साबुदाना इज ए वेरी हाई एनर्जी डेंस फूड, टोटली मेड ऑफ प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट इज नियरली एब्सेंट। नॉट ओनली द हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, अगर उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कम्स अंडर द अल्ट्रा प्रोसेस कैटेगरी। जैसे कि मैदे को बनाया जाता है वेरी फाइन पाउडर के फॉर्म में होता है, साबुदाना भी उस कैटेगरी में होता है। साबुदाने में प्रोटीन होता है लेस देन 0.5%, मैदा अल्ट्रा प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड होते हुए भी उसमें 10-12% प्रोटीन होता है। इस संदर्भ में देखें तो मैदा साबुदाने से बेटर है, जबकि हम सब लोग मैदे को काफी अनहेल्दी मानते हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड होते हुए भी साबुदाने को सुपर फूड जैसा ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे फूड प्रिपरेशन में, फास्टिंग के टाइम पे, व्रत के टाइम पे साबुदाने को यूज किया जाता है। व्हाट आर दी बैड हेल्थ इंपैक्ट ऑफ कंज्यूमिंग साबुदाना, साबुदाना इज अल्ट्रा प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट डेंस प्रोडक्ट, और इतने सारे रिफाइनमेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद साबुदाना जब भी खाया जाता है या इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उसको मेटाबॉलिज्म होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एज ए कार्बोहाइड्रेट बॉम्ब, खाने के इमीडिएटली बाद ये डायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाता है, और क्योंकि ये सिंपल स्टार्च होता है तुरंत ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, ब्लड में एक सडन ग्लूकोज स्पाइक देता है। और कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड की कैटेगराइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, खाने के बाद ब्लड में किस तरह से वो ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट करता है और कितना जल्दी या देर से ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि साबुदाना सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है नियरली 64, जो कि अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। क्योंकि साबुदाने में कोई प्रोटीन या फाइबर नहीं होता है, इसलिए क्विकली एब्जॉर्ब होता है और ब्लड शुगर लेवल में एक शार्प राइज देखने को मिलता है। इस प्रॉपर्टी को देखते हुए तो कहा जा सकता है साबुदाना इज नॉट हेल्दी फॉर कंज्यूमिंग ड्यूरिंग फास्ट, व्रत के टाइम इस्तेमाल करने के लिए साबुदाना हेल्दी नहीं है। व्रत के टाइम पे जब आप टोटली खाली पेट है, ब्लड शुगर लेवल बहुत लो है, साबुदाना खाने के बाद तब एक सडन कार्बोहाइड्रेट स्पाइक आएगा, हमारे बॉडी के इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर बैड इफेक्ट देगा। ब्लड शुगर लेवल की ड्रास्टिक वेरिएशन की वजह से बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में आ सकता है, एंडोक्राइन सिस्टम मेलफंक्शन हो सकता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर भी उसका बैड इफेक्ट आता है। व्रत के टाइम पे जब आप एम्प्टी स्टोमक है और आपका ब्लड शुगर लेवल लो है, तब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कंज्यूम करना ही रिकमेंडेड है। बॉडी में ब्लड शुगर का राइज धीरे धीरे हो, सडन एक स्पाइक ना आए। सडन ब्लड शुगर की स्पाइक आपको कुछ देर के लिए तो बहुत एनर्जेटिक और रिफ्रेशिंग फील करवाएगा, लेकिन ये ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी ही नीचे आ जाएगा, बहुत ज्यादा टायर्ड और लिदर्जिक फील होगा। क्योंकि साबुदाने में प्रोटीन, फाइबर और फैट ये तीनों ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है, न्यूट्रिशियस फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से साबुदाना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। साबुदाना कंज्यूम करने से ना ही बॉडी को प्रोटीन मिलेगा, ना ही बॉडी को फाइबर मिलेगा। रिकमेंडेड क्वांटिटी में प्रोटीन और फैट हमारी बॉडी को चाहिए, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। साबुदाना मिनरल कंटेंट में तो रिच है, कैल्शियम, आयरन, जिंक पर्याप्त मात्रा में होता है, प्रोटीन और फैट नहीं होने की वजह से ये बॉडी को बैलेंस डाइट प्रोवाइड नहीं करता। ऑन द अदर हैंड साबुदाने के साथ कुछ हेल्थ बेनिफिट भी है। अगर हम हेल्थ बेनिफिट को देखें, साबुदाना प्योर कार्बोहाइड्रेट है, बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है और उसमें फाइबर और प्रोटीन नहीं होता। दिस इज
वेरी इजीली डाइजेस्टेबल, बॉडी को इसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए जो बीमार है, जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, बुखार वगैरह में है, उनके लिए साबूदाना बहुत अच्छा है, बॉडी को एनर्जी देने के लिए साबूदाना बहुत अच्छा ऑप्शन है। द सेकंड बेनिफिट, साबूदाना इज मेड अप ऑफ टोटली कार्बोहाइड्रेट, स्टमक के लिए बहुत लाइट होता है। स्टमक की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बैक्टीरिया का प्रिय खाना होता है शुगर या स्टार्च। साबूदाना कंज्यूम करते हैं तो स्टमक की जो माइक्रोबायोम है या बैक्टीरियल कॉलोनी है उनके लिए बहुत अच्छा है। गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए साबूदाना एक बहुत अच्छा बेस देता है। प्रीबायोटिक साबूदाना स्टमक में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करता है। जिनको भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, या किसी वजह से स्टमक से रिलेटेड कुछ भी और प्रॉब्लम है, साबूदाना कंज्यूम करने से स्टमक के लिए बहुत ही लाइट रहेगा, स्टमक की माइक्रोबायोलॉजिकल फ्लोरा को भी बैलेंस करेगा। इजी डाइजेस्टिंग होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए भी साबूदाना कंजम्पशन काफी हेल्पफुल है। इंटरनेट में इन्फॉर्मेशन की भरमार है कि कैसे बॉडी वेट को कम किया जाए। कुछ कुछ लोगों को जरूरत होती है बॉडी वेट बढ़ाने की, बहुत ही कम ऑप्शंस ऐसे हेल्दी फूड के अवेलेबल है जिसको खा के आप बॉडी वेट बढ़ा सकते हैं। साबूदाना उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। रेगुलर साबूदाने की कंजम्पशन से बॉडी वेट गेन फास्ट हो सकता है। साबूदाना एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टोटली ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन से एलर्जी है या ग्लूटेन से सेंसिटिव है वो ग्लूटेन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकते। व्हीट प्रोडक्ट को जैसे आटा मैदा यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है, उनके लिए साबूदाना एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। साबूदाना बेबीज के लिए एक बहुत अच्छा फूड ऑप्शन है क्योंकि साबूदाने में कैल्शियम रिच है, जिंक प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B6 है। बेबीज के लिए एज ए बेबी फूड उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में साबूदाने का खीर एज ए बेबी फूड इस्तेमाल किया जाता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी मैंने भी साबूदाना बहुत खाया है। जो लोग कॉस्टली बेबी फूड अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए साबूदाना एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, और हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए साबूदाना बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इजी टू डाइजेस्ट, रिच इन कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन, और ये बॉडी वेट को बढ़ाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इन इंडिया साबूदाने की बीट्स को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन द वेस्टर्न कंट्रीज टेपियोका पाउडर, सागू पाम पाउडर, दे आर यूज एज ए थिकनिंग एजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल्स। पुडिंग बनाने के लिए एज ए थिकनिंग एजेंट यूज किया जाता है। कोरिया जापान में बबल टी बहुत फेमस है। बबल टी के अंदर जो बबल्स होते हैं वो टेपियोका बीड ही होता है, साबूदाना ही होता है। साबूदाने की पॉजिटिव और नेगेटिव आस्पेक्ट को देखने के बाद ये कंक्लूड किया जा सकता है कि फॉर नॉर्मल पीपल विद नॉर्मल बॉडी वेट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल विदाउट एनी मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन साबूदाना कंजम्पशन अच्छा है। बट फॉर द पीपल विद मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज, उनके लिए साबूदाना कंजम्पशन एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। फिर भी अगर बहुत पसंद है तो कम क्वांटिटी में खाया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली जब भी हम साबूदाना व्रत में खाते हैं तो बहुत सारे आलू के साथ खाते हैं, तो साबूदाना इटसेल्फ इज कार्बोहाइड्रेट और उसमें हम और आलू मिला रहे हैं जो कि अगेन कार्बोहाइड्रेट है। साबूदाना अगर व्रत में खाना है या नॉर्मली कोई भी स्नैक्स या ब्रेकफास्ट आइटम बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, इस तरह से प्रिपरेशन बनाना चाहिए ताकि उसकी जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। साबूदाने के साथ कोकोनट, पीनट, बहुत सारे वेजिटेबल्स मिला के उस प्रोटीन की कमी, फाइबर की कमी को बैलेंस करके अगर डिश बनाया जाए तो साबूदाना एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। जब साबूदाने का खीर आ जाता है तब उसमें हम मिल्क डालते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट डालते हैं, इस प्रोसेस से भी साबूदाना काफी हेल्दी हो जाता है। सो साबूदाना एलोन इज नॉट ए कंप्लीट और बैलेंस्ड फूड, इसमें प्रॉपर इंग्रेडिएंट मिला के फाइबर और प्रोटीन की कमी को पूरा किया जाए, देन साबूदाना कैन बी ए वेरी गुड हेल्दी ऑप्शन। मैं सालों से हफ्ते में एक दिन फास्टिंग रखती आई हूँ। फास्टिंग डेज में मैं साबूदाना बहुत खाती थी क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने का बड़ा मुझे बहुत पसंद है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि फास्टिंग के डेज में साबूदाना खाना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। मैं अभी फास्टिंग के दौरान साबूदाना बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन मैं साबूदाने की डिश जरूर एंजॉय करती हूँ नॉन फास्टिंग डेज में। व्रत में खाने के लिए हमारे पास काफी कम ऑप्शंस होते हैं। व्रत में खाने के लिए क्या क्या हेल्दी फूड के ऑप्शंस हो सकते हैं उसके ऊपर फ्यूचर में बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, न्यू वीडियो रिलीज की नोटिफिकेशन आपके पास आता जाएगा। एट द एंड में इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगी, साबूदाने की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इतना ज्यादा फिल्ट्रेशन और कुकिंग प्रोसेस क्यों यूज किया जाता है? साबूदाना बनाने के लिए जो कसाबा प्लांट या सागू पाम प्लांट को यूज किया जाता है, दे हैव सम टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट। ये टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। सालों पहले साउथ अमेरिका के इंडिजिनस पीपल ने जब सागू पाम प्लांट को इस्तेमाल करके स्टार्च को आइसोलेट करने का तरीका डेवलप किया तो उनका प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स था। उस प्रोसेस में बहुत सारे ऐसा प्यूरिफिकेशन स्टेप था टॉक्सिक साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड को हटाने में मदद करता था। टेपियोका की प्रोसेसिंग में ग्रेटिंग, उसको बारीक बारीक पीस करके घिस डालना, प्रेस में दबा के मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट कर
करना, देन हीटिंग, फिल्ट्रेशन एंड कुकिंग, ये सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट को हटाने के लिए। स्टार्टिंग में जब कसावा को पील किया जाता है तो उसका छिलका पूरी तरह से हटना चाहिए, क्योंकि उसके छिलके में भी साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड की काफी हाई कंसेंट्रेशन होता है। साउथ अमेरिकन इंडिजिनस पीपल सेपरेटेड साइनोजेनिक कंपाउंड जैसे हाइड्रोसाइनिक एसिड को यूज करते थे डार्ट और एरोस के टिप में लगाने के लिए एनिमल हंटिंग में एज ए पॉइजन एरो। रॉ कसावा रूट इज टॉक्सिक एंड बिटर। कसावा पाउडर या बीट बनाने के लिए उसको सिग्निफिकेंट प्यूरिफिकेशन प्रोसेसिंग से गुजारना पड़ता है। उसमें सोकिंग और लो हीट कुकिंग द ओपन एयर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है टॉक्सिक मटेरियल को हटाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाए देन प्रोडक्ट कैन कॉज साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड इंटॉक्सिकेशन। लॉन्ग टर्म कंजम्पशन से कोइटर, न्यूरोपैथी या नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की पूरे चांसेस है एंड पैनक्रियाटिक डैमेज की पॉसिबिलिटीज है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक मेटेरियल इन कसावा, साबुदाने को बनाने से पहले ओवरनाइट सोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट। हर कंपनी अपने अपने तरीके से प्रोसेस करती है, जरूरी नहीं कि आप हर बार जो साबुदाना खरीदे वो एक ही मैन्युफैक्चरर से खरीदे या एक ही तरीके से प्रोसेस किया हो। ओवरनाइट सोकिंग सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है कि साबुदाने के बीट्स सॉफ्ट हो जाए, कुकिंग आसान हो जाए, अंदर तक पक जाए। सोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी ट्रेस मेटेरियल में टॉक्सिक बचा है, प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत भी लापरवाही हुई है या पूरी तरह से उसको पीलिंग नहीं किया गया, उसका छिलका नहीं हटाया गया है, सोकिंग प्रॉपरली नहीं किया गया है, एयर एक्सपोजर प्रॉपर नहीं दिया गया है, थोड़ा बहुत टॉक्सिक मटेरियल अगर बच भी गया है तो ओवरनाइट सोकिंग से वो टॉक्सिक मटेरियल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो साबुदाना कभी भी इंस्टेंट बनाना नहीं चाहिए, ओवरनाइट सोकिंग जरूर करना चाहिए। सोकिंग करने के लिए बहुत ज्यादा पानी मत डालिए, साबुदाने पानी में डिप हो जाए और उसके ऊपर थोड़ा सा बस पानी बच जाए उतना ही छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे सोक होगा और पानी स्वेल अप कर लेगा। ओवरनाइट सोकिंग के बाद साबुदाना इज गुड टू गो फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी डिश। नया साबुदाना का पैकेट लाके मार्केट से खोलते हैं, बीट शुड बी टोटली ड्राई एंड व्हाइट। अगर ये थोड़ा बहुत भी उसमें मॉइस्चर जैसा फील हो, दाने पूरी तरह से सेपरेटेड ना हो, डिसकलरेशन दिखे व्हाइट के बजाय अगर थोड़ा बहुत भी स्पॉटिंग वगैरह दिखे, देन दिस इज नॉट गुड टू यूज। साबुदाना इज टोटली प्यूरिफाइड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा मीडिया है। ट्रेस अमाउंट पे भी मॉइस्चर बचेगा, पैकेजिंग के बाद एयर उसमें लीक हो रहा है तो माइक्रोबियल ग्रोथ होगा। सो साबुदाना टोटली ड्राई एंड व्हाइट होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी स्मेल हो, थोड़ा सा मॉइस्चर हो, डिसकलरेशन हो, कंजम्पशन के लिए सेफ नहीं है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो का कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहा है। कंटेंट अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में।